बाबा मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा भोले का पूजा अर्चना से लेकर रुद्राभिषेक करते हैं और रोजाना बाबा भोले पर लाखों लीटर दूध और गंगा जल अर्पण किया जाता है। ऐसे में बाबा भोले पर चढ़ा लाखों लीटर गंगा जल और दूध नाले में बह जाता है और अब जिला प्रशासन द्वारा बाबा भोले पर चढ़ा गंगा जल और दूध का नीर को लेकर पहल किया जा रहा है। आपको बता दें कि बाबा भोले के गर्भगृह से निकलने वाला नीर को कुंड में मोटर लगाकर पाइप के माध्यम से नाथबाड़ी के कुएं में संग्रह किया जा रहा है। 20-25 साल पहले यहाँ जो बाबा जी के ऊपर जो नीर चढ़ती थी गंगा जल, वो मानसिंह सरोवर तक जाती थी, लेकिन बीच में कुछ कारणों की वजह से वो बंद हो गया, तो वो नीर जो है ड्रेनेज में चली जाती थी, जो एक आस्था से भी जुड़ी हुई थी और उसका वाटर कंजर्वेशन का भी जरूरत था। तो अभी हमने एक्सपेरिमेंटल के तौर पर वहाँ से पाइप लगाकर उसको नज़दीक में जो है एक नाथवाड़ी जो है वहाँ लगभग 50 फीट डेप्थ का कुआ है, 15 फीट डायमीटर है, तो वहाँ हम लोग अभी छोड़ रहे, कंजर्वेशन कर रहे। फिर महाशिवरात्रि के बाद हम लोग जो है एक लॉन्ग टर्म प्लान रहेगा, यहाँ से जो नीर है वो मानसिंह सरोवर तक जाएगी और उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। अगर वो पानी में किसी तरह का केमिकल्स अगर नहीं है तो हम लोग उसको जो है तीर्थ की तरह भी एक मार्केटिंग करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है, इससे क्या होगा कि देवघर का जल स्त्रोत सबसे पहले बढ़ेगा। यहाँ का मंदिर के अगल बगल जितने भी घर हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्या है और लाखों लीटर जल जो बाबा को रोज चढ़ रहा है, अगर वो स्टॉक किया जाएगा और उसको मतलब क्या बोलते हैं मशीन के द्वारा फिट करके पीने की अगर बना दिया जाए तो पानी पी सकता है आदमी। और ये सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि इस जल को मानसरोवर गठित किया जाए, अब मानसरोवर में डीप बोरिंग के द्वारा फिर उसी जल को सारे शहर को दिया जाए, ताकि सारा शहर पानी से जो त्राहिमाम है उससे ज़रूर मुक्ति मिलेगी।